गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग यार 480 रन पे खत्म हुई। वो तो अश्विन मन्ना का भला मारे जो 6 विकेट ले लिए, नहीं तो पता नहीं कितने ही रन ठोक देते ऑस्ट्रेलियन टीम। सबसे यूनिक बात थी नेथन लायन और मर्फी ने भी 40 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इस पे केएल राहुल का क्या कहना सुनिए। एना रासकला बहन के लोड़ा, व्हाट इज दिस? शुभमन गिल को तुम मौका देते हो ऐसे फ्लैट पिच में खेलने के लिए, मुझे मौका नहीं दिए। मुझे तुम लोग भेज दिए T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के स्विंगिंग पिच पे खेलने के लिए, उसके बाद बांग्लादेश पे भेज दिए मुझे रैंक टर्नर पिच पे खेलने के लिए, अब बोल रहे मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ। फ्लैट पिच की बात आई तो सुमन गिल को दे दिए तो 200 रन मार रहा, तो मुझे भी मौका दो फ्लैट पिच में, मैं भी मार के दिखाता हूँ। खैर केएल राहुल का ये बात कहना सही है, ये फ्लैट पिच है। फ्लैट पिच मतलब पाटा पिच, मतलब ऐसी पिच जिसमें बॉलर्स को कोई मदद नहीं। उसमें अश्विन अन्ना अगर 6 विकेट ले लेते हैं तो सैल्यूट है अश्विन अन्ना के लिए। खैर दो दिन टेस्ट मैच का खत्म हो गया, ये टेस्ट मैच मुझे ड्रॉ की ओर आते हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडियन टीम इंग्लैंड की टीम की तरफ तो बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलेगी। कल उम्मीद है शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब सेंचुरी ठोकेंगे, डेढ़ दिन में 500 रन बनाएंगे, 100-150 रन की लीड लेके फिर देंगे और ये मैच 100% ड्रॉ होने वाला है। उम्मीद करते हैं श्रीलंकन टीम न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट अच्छा खेले ताकि इंटरेस्ट रहे WTC के फाइनल का। दूसरा बात करते हैं हम लोग वुमेन्स वर्ल्ड कप की, वुमेन्स WPL की, वर्ल्ड कप नहीं बोलते, वुमेन्स WPL, दैट इज वुमेन्स का IPL। भैया पैसे में आग लगा दो लेकिन बेंगलोर पे पैसा मत लगाओ, ये बात हम लोग को समझ आ रहा है। पता नहीं बेंगलोर के जो ओनर है, शायद दारू बेचने वाले ओनर है, उनके पास दारू बेचने वाले के पास वैसे बेइंतहा पैसा होता है, उनको क्यों नहीं समझ आ रहा। और स्मृति मंदाना जैसे टिकटॉक स्टार के ऊपर पैसा लगा दिया गया है। स्मृति मंदाना का परफॉर्मेंस ऐसा ही है जैसा मेरा परफॉर्मेंस एग्जाम्स में हुआ करता था। 35 रन, 23 रन, 15 रन, 8 रन, ऐसा परफॉर्मेंस अगर इंडिया अपने पॉपुलेशन में करे तो इंडिया का पॉपुलेशन घटे तो कुछ कुछ हो भी। इसमें थी अंदाना फ्लॉप रही, वो तो एलिसा पेरी थी जिसने रन थोड़ी ठोक दी, तो कुछ थोड़ा सा सम्मानजनक, कुछ नहीं थोड़ा सा सम्मानजनक रन रहा। बनस्पत उल्टे में आए, यूपी वॉरियर्स का एक विकेट तक नहीं गिरा पाए लोग और यूपी वॉरियर्स ने 10 विकेट से मैच जीत लिया। थू है स्मृति मंदाना आपके कैप्टनशिप पे, थू है आपके आपके बैटिंग पे। और जो भी RCB के फैन है, अबे किस 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 पत्थर दिल के बने हुए तुम लोग RCB के फैन, अबे इतने में तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चले जाती है, एक्स भी छोड़ के चले जाती है, इतने में जीतता तुम लोग RCB के फैन अभी भी बने हो। सल्यूट है आप लोग को जो आप लोग RCB के फैन हैं। खैर अभी दूसरा मैच चल रहा PSL का, फिर से अपनी 240 रन ठोक दिए बाबर आजम की टीम में। बाबर आजम सैन अयुब अच्छा के लिए बात करेंगे उसके बारे में कल, तब तक के लिए दुआ में याद रखें फिर मामला।